पब्लिक टीवी आपकी आवाज। कारगिल विजय दिवस पर आज मुरादाबाद में भी जिला प्रशासन के द्वारा एक तिरंगा यात्रा निकालते हुए कारगिल के शहीदों को नमन किया गया। डीएम और एसएसपी सहित जनपद भर के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने रैली के माध्यम से तिरंगा यात्रा का आगाज किया। इस रैली की शुरुआत मुरादाबाद कलेक्ट्रेट से हुई, जो शहर के मुख्य रास्तों से होते हुए शहीद मजू खां की मजार पर जाकर संपन्न हुई। आजादी का 75वां अमृत महोत्सव देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसके लिए बड़े बड़े आयोजन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज मुरादाबाद प्रशासन ने भी एक तिरंगा यात्रा निकाली है। दरअसल देश आज कारगिल विजय दिवस मना रहा है, शहीदों को अपने अपने स्तर से नमन कर रहा है। इसी कड़ी में मुरादाबाद डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह और एसएसपी हेमंत कुटियाल की अगुवाई में एक तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसकी शुरुआत कलेक्ट्रेट से हुई। एक खुली जीप में सवार होकर डीएम और एसएसपी शहर की सड़कों पर निकले और शहर के लोगों को तिरंगा यात्रा के मायने समझाए। कारगिल विजय दिवस पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। हम सभी लोग जानते हैं, हेलो, ये हम लोगों के गर्व और सम्मान की बात है कि हमारे आजादी के 75 वर्ष इस बार 15 अगस्त को पूरे होने जा रहे हैं। इस अवसर पर 11 अगस्त से लेकर के 17 अगस्त तक हर घर पर तिरंगा फहराया जाना है और राष्ट्र के प्रति अपने सम्मान का प्रदर्शन किया जाना है, जिसको लेकर के आज हम लोगों ने तिरंगा यात्रा का आयोजन किया है। और मैं सभी जनपद वासियों से अपील करता हूं कि 11 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त तक अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज को अनिवार्य रूप से फहराएं और राष्ट्र के प्रति अपनी एक एकबद्धता और राष्ट्र के प्रति अपने सम्मान का प्रदर्शन करें। जय हिंद, जय भारत। आज जो कारगिल विजय दिवस है, उसके उपलक्ष्य में जनपद में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। चौराहे पे शहीदों को बैंड के साथ श्रद्धांजलि जा रही है, याद किया जा रहा है और ये पूरा कार्यक्रम जिला प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं, जिसमें हर घर तिरंगा का बृहद प्लान है पूरे देश में और इसमें सभी विभाग बहुत जोशों से जुटे हुए हैं। पब्लिक भी इसमें बहुत फेवर के साथ एडेड है, तो उस वो भी एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।